योग दिवस। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब स्कूल के अंदर योग कराने वाले टीचर आते थे, योगा कराते थे, हर रोज सुबह 4 बजे बुलाते थे, 4 बजे पहुंचो, शाम को भी योगा कराते थे। योगा का जो सिस्टम है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो काम हुआ, वो 2015 में इसको पूरे विश्व के अंदर 21 को आने वाले जो आज जो तारीख है 21 को, इसको पूरे विश्व के अंदर इसको मान्यता दे दी गई कि इसको योगा डे घोषित कर दिया जाए, और इसको घोषित कर दिया गया। पूरे विश्व के लोग, करोड़ों अरबों लोग एक साथ योगा करते हैं। हमारे भारत के लिए कितने बड़े गौरव की बात है कि कोई एक दिन हमारे योग के लिए निर्धारित कर दिया गया पूरे विश्व के अंदर। और ये योग जो है, ये आज से नहीं है, ये इतना पुराना है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई। आप देखो, मंडूकासन है, सूर्य नमस्कार है, और कितने आसन हैं, बहुत प्रकार के आसन हैं। ये सब के सब जितने सर्वांगासन है, सब जितने भी जितने आसन हैं, सब पशु पक्षियों के नाम से निर्धारित किए गए कि उनकी तरह से अगर हम आसन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। प्रत्येक से गरुड़ासन है, गरुड़ से लिया गया है, अलग अलग पशु पक्षियों से हमने सीखा है। हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक पद्धति के थे कि पशु पक्षियों से भी सीख लेते थे, उनसे भी खोज लेते थे, उनसे भी जान लेते थे, और उनसे भी उनके अंदर जो खासियतें थी, उनके अंदर जो सीखने की जो कला थी, वो सीख करके उनका जो प्रभाव किया, मानव जीवन को ही बदल दिया, मानव इतिहास को ही बदल दिया। ये योग कितना प्रभावशाली है, आप देखिए, प्राणायाम से वो कितने लोगों के जीवन बदल दिए गए हैं, कितना प्रभाव, कितनी बीमारियों को काट दिया गया है, कितने डॉक्टरों से दूर कर दिया गया है। अगर आप हर रोज 1 घंटा योगा के लिए दिए तो आपका शरीर कितना तरोताजा महसूस करेगा, हर रोज ऐसे अपडेट होता रहेगा आपका शरीर, और आपके चेहरे के ऊपर जो नूर दिखेगा, जो तेज दिखेगा, उसका अलग प्रभाव होगा। आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी प्रभाव होगा। आपका जो ये शरीर खराब हो जाता है कि वेट बढ़ गया, कभी वेट कम हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गई, लकवा हो गया, ये साधारण रोग आजकल बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। अगर आप 1 घंटा हर रोज योग को दोगे, अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लिए 1 घंटा अगर आप निकालोगे, तो आपके रिजल्ट ये सामने होगा। जब हमारे कोई कितना पुराना बोल, बहुत पुराना है ये, हम बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। महर्षि पतंजलि ने तो इसके ऊपर पूरा का पूरा ग्रंथ लिख डाला। अगर हम उस ग्रंथ के अनुसार चलें, हम महर्षि पतंजलि के अनुसार चलें, उन्होंने योग को केवल शरीर मात्र तक सीमित नहीं रखा कि शरीर तक सीमित रख लिया, अब शरीर के कल्याण के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए, बीमारियों को काटने के लिए केवल इतना सीमित नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको भक्ति की तरफ भी मोड़ दिया, ध्यान की तरफ भी मोड़ दिया, और इन्होंने समाधि की तरफ भी मोड़ दिया, यम नियम, तो उन्होंने हर तरफ से जीव को संभाल करके इस शरीर को 100 साल तक जीवित रखने के लिए, कि कोई रोग भी ना हो, कष्ट भी ना हो, परेशानी भी ना हो, दिमाग में डिप्रेशन भी ना हो। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है डिप्रेशन इतना ज़्यादा चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, जो ये डिप्रेशन की सुसाइड तक चले जाते हैं। जब आप 1 घंटा
योगा के ऊपर लगाओगे और योगा करोगे और थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, इन चीज़ों से ये बहुत डिप्रेशन कुछ है ही नहीं। आपने अगर एक बार दवाइयाँ शुरू कर दी, एलोपैथी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, डॉक्टर खुद बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं कि पूरी उम्र तक दवाइयाँ पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन आपने अगर अपने जीवन को योगा की ओर मोड़ दिया कि हमने हर रोज 1 घंटा योगा करना है, योगा को टाइम देना है, अपने शरीर के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, अगर 1 घंटा दे दिया तो भूल जाइए आप इन डॉक्टरों को, भूल जाइए दवाइयों को, भूल जाइए, आपके चेहरे की मुस्कान जाएगी नहीं, आप बिल्कुल बदल जाओगे, चेंज हो जाओगे। तो ये जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, इसमें बहुत से हमारे ऐसे लोग हुए जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, जो आज इस धरती के ऊपर नहीं हैं। मैं दीक्षित जी से लेकर के रामदेव जी तक, उन्होंने इसको फैलाने के लिए, योग और आयुर्वेद इनको फैलाने के लिए जो काम किया है इन्होंने, बहुत सराहनीय काम है। कैसे भी हो, कितना भी हो, जब आप सोचोगे ना, सोचोगे कि इन्होंने कितना काम किया है इस विषय के ऊपर, योगा के ऊपर कितना काम किया है, इन्होंने कितनी मेहनत की है, बस आपको तो ये नज़र आते हैं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी हैं, ऐसे पैसे लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपको तो बस यही चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन जो आपको नज़र आनी चाहिए, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कितना काम किया है, हमारे देश को उठाने में, हमारे देश का नाम वहाँ तक ले जाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है, कितनी यात्राएं की होंगी, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की यात्राएं कर चुके हैं, कितने लोगों को जागरूक किया होगा, कितने ट्रेनर ट्रेंड किए होंगे, कितने लोगों को जीवनदान दिया होगा, कितने लोगों की कैंसर ठीक हुई होगी, कितने लोगों की सांस ठीक हुई होगी, फेफड़े ठीक हुए होंगे, लीवर ठीक हुए, किडनी ठीक हुई होंगी, कितने लोग, बाहर के लोग ऐसे ही नहीं मानते कि आप बोलोगे और वो मान लेंगे, वो लोग रिसर्च करते हैं। जब रिसर्च किया गया इनके ऊपर, तो रिसर्च का जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आप लोगों के सामने है, रखा गया, और उस रिजल्ट को जब विश्व ने स्वीकार किया, तो पूरा का पूरा विश्व मिल करके एक साथ योगा करता है। कुछ लोग किसी भी प्रकार से, चाहे 1 दिन के लिए योगा करें, चाहे कुछ दिन के लिए योगा करें, कुछ लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया, जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया उनका लाभ गिनाए नहीं जा सकते कि गिनाए जा सकते। दवाइयों से क्या होता है कि एक चीज़ ठीक हुई, दूसरी में डिफेक्ट शुरू हो गया, दूसरी ठीक हुई, तीसरी में डिफेक्ट शुरू हो गया। ये शरीर मशीन की तरह से कार्य करता है। अगर हम इसको योगा के अंदर ढाल दें, तो ये मशीन आपको इतना एनर्जी देगी, ये शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा पैदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा हो जाएगी, आपका शरीर भी मजबूत होगा, मन भी मजबूत होगा, बुद्धि भी मजबूत होगी, ब्रह्मचर्य भी मजबूत होगा, हर चीज़ के ऊपर प्रभाव होगा, और ये जो प्रभाव है ना, ये आप सबके सामने नज़र भी आएगा, लोग बता देंगे आपको कि अरे क्या शुरू कर दिया, आजकल तो बड़े फिट हो गए हो, ये योगा का प्रभाव है, ये योगा का जो सिस्टम है, अब तो हमारे योगा को पूरा विश्व मानने लगा है, कि ये 5-7 साल से पूरा का पूरा विश्व योगा की तरफ ध्यान दे रहा है। अमेरिका से जो हमारे योगा टीचर हैं, वो बुलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर काम किया जा रहा है, उन्हें रखा जा रहा है, वो अपने यहाँ से उठा करके अपने देश में ले जा करके इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, और वहाँ जितने भी ये काम करने वाले हैं, जितने भी उनके, कई तो ऐसी कंपनियाँ भी मैंने देखी सुनी और देख भी रहे हैं कि उन्होंने अपने स्पेशल योगा टीचर बुलाए और अपने कर्मचारियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए योगा करवा रहे हैं। स्कूल ने भी योगा टीचरों की मांग कर दिया, पूरे विश्व के अंदर हमारे योगा टीचरों को आज बुलाया जा रहा है, ये कितनी बड़े गर्व की बात है। तो आप अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, रोगों से बचने के लिए, आप अगर
एक घंटा कम से कम शरीर के लिए अपने लिए निकालोगे तो रिजल्ट आप सबके सामने होगा। और आप सबको बधाई तो क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगा आप सब मिल करके केवल फोटो खिंचाने तक सीमित मत रहिए कि एक दिन योगा करेंगे फोटो खिंच जाएंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा अखबार में आ जाएगी, इतना सीमित मत रहिए। आप इसको आगे लेकर के जाइए, अपने परिवार के साथ जोड़िए, अपने आसपास के लोगों के साथ जोड़िए और अपनी एक टीम तैयार कीजिए, हर रोज योगा कीजिए, अपने जीवन में इस योग को शामिल कीजिए। जब जीवन में योग शामिल हो गया तो फिर आपके स्वास्थ्य को कोई हिला नहीं सकता और ये छोटे छोटे जो रोग हैं, छोटे छोटे जो कष्ट हैं, ये तो अपने आप ही भाग जाएंगे आपके जीवन से। तो आप योगा के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में इश्क को योगा के साथ साथ थोड़ा आहार के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं।